हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक सांप के बारे में चर्चा होती है तो किंग कोबरा का नाम जरूर आता ही। किंग कोबरा काफी भयानक और खतरनाक होता है। आज हम आपको किंग कोबरा सांप से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने रोचक तथ्य बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। किंग कोबरा दुनिया का सबसे जहरीला सांपों में एक है जो काफी लंबा होता है। किंग कोबरा की लंबाई 6 मीटर तक हो सकती है। किंग कोबरा एक ऐसा शिकारी है जो दूसरे जीवों के अलावा दूसरे सांपों को भी अपना शिकार बना सकती है, चाहे वो जहरीले हो या ना। कोबरा पाइथन और दूसरे कोबरा सांपों को भी अपना निवाला बना लेता है। कोबरा इतना जहरीला होता है कि अगर यह किसी हाथी को काट ले तो उसकी भी जान जा सकती है। किंग कोबरा सांप को इकलौते ऐसे प्रजाति हैं जो अपने रहने के लिए घोंसले बनाते हैं और इन्हीं में अंडे देते हैं और इन अंडे को खुद सुरक्षित रखता है। किंग कोबरा को जितना जहर गलता है ये वह खुद ही तय कर सकता है। इसी कारण जरूरी नहीं कि हर बार किंग कोबरा काटते समय जहर उगले, कई बार वह बिना जहर दिए भी काट लेता है। औसत किंग कोबरा सांप का जीवन काल 20 साल होता है। कोबरा सांपों की एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी कुल लंबाई में एक तिहाई हिस्से में एक सीधे खड़े होने की क्षमता होती है। किंग कोबरा कई महीनों तक बिना खाए रह सकते हैं। किंग कोबरा बार करते समय जहर उगलता है और अगर इसका जहर आंखों में चला जाए तो समय पर ही इलाज ना हो तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। दूसरे सांपों की तरह कोबरा भी पानी में बड़ी आसानी से तेज रफ्तार से तैर सकती है। इसी कारण कोबरा सांप अक्सर तालाब, झील, नदी, पानी वाले जगहों पर पाए जाते हैं। अब तक का सबसे बड़ा कोबरा 12.7 किलो वजनी था जिसे यूनिवर्क के जूलॉजिकल पार्क में रखा गया था। किंग कोबरा की आंखें इतनी तेज होती है कि वह अपने शिकार को 91 मीटर दूर से ही आसानी से देख सकता है। किंग कोबरा पेड़ पर चढ़ने में माहिर होता है। कोबरा सांप के कान नहीं होती, यह सिर्फ चीजों की आहट और कंपन से पता लगाता है। अगर किसी इंसान को किंग कोबरा काट ले और तुरंत उसकी सही इलाज ना हो तो अगले 30 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। एक बार काट लेने से किंग कोबरा सांप इतना जहर उगलता है कि करीब 20 लोग या एक बड़े हाथी की मौत हो सकती है। इतना जहरीला होने के बावजूद भी नेवले पर किंग कोबरा के काटने का कोई असर नहीं होता। यही कारण है कि नेवला कोबरे को आसानी से मार देती है। भारत में कोबरा सांप को मारना गैर कानूनी है और एक ऐसा करने पर 6 साल की जेल हो सकती है। कोबरा सांप अपने जहर को थूक के रूप में आधी लंबाई जितनी दूरी फेंक सकती है। कोबरा सांप को शारीरिक संरचना इस तरह होती है कि वह तापमान में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन को भी आसानी से महसूस कर सकती है। कोबरा सांप को काट लेने वाले इलाज में एंट्रीवेसन नामक दवा इस्तेमाल की जाती है और यह दवा
कोबरा की जहर से ही तैयार होती है। कोबरा सांप सिर्फ धरती पर होने वाले ध्वनि तरंगों और कंपन को ही महसूस कर सकती है और हवा में होने वाली ध्वनि तरंगों को महसूस करने में कोबरा सांप असमर्थ होते हैं।